नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना बच्चों? आज हम कक्षा 4 से पर्यावरण विषय पढ़ेंगे। बच्चों, हम सूरज की पहली किरण के साथ जाग जाते हैं। क्या आपने कभी सूरज को ध्यान से देखा है? सूरज किस दिशा से निकलता है? सूरज हमेशा पूर्व दिशा से निकलता है और पश्चिम दिशा में डूबता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक प्रयास करते हैं। आप सूर्योदय के समय अपनी शाला या घर के आसपास सूर्य की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए और अपने दोनों हाथ सीधे करके फैला लीजिए। अब आप देखेंगे आपके ठीक सामने पूर्व दिशा है और आपके पीछे यानी पीठ की ओर पश्चिम दिशा है, आपके बाएं हाथ की ओर उत्तर दिशा और दाएं हाथ की ओर दक्षिण दिशा है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 दिशाओं का चक्कर। गुलाब सिंह जो लटोरी गांव में रहता है, उसको किसी काम से लुचकी घाट जाना था। वहां से उसे शादी में औराडांड पहुंचना था। बच्चों, आप जब कहीं जाते हैं और आपको रास्ता पता नहीं होता, तब आप क्या करते हैं? अपने बड़ों से पूछते हैं ना? ठीक उसी तरह गुलाब सिंह को लटोरी से लुचकी घाट और लुचकी घाट से औराडांड जाने का रास्ता पता नहीं था। उसने अपने दादाजी से रास्ता पूछा। दादाजी ने गुलाब सिंह को समझाया, आप लटोरी से निकलोगे, कुछ दूरी पर चलने पर आपके दाहिने हाथ की ओर एक पीपल का पेड़ दिखेगा, वहाँ से आप बाएं हाथ की ओर मुड़ जाएंगे, कुछ दूर चलने पर आपको बड़गांव मिलेगा, बड़गांव से आप सीधे रास्ते पर चलेंगे तो आप लुचकी घाट पहुँच जाएंगे। अब वहाँ से जब आप औराडांड के लिए निकलेंगे तो लुचकी घाट से आप सीधा निकलेंगे और बड़गांव के पास पहुंचेंगे, बड़गांव से आप बाएं की ओर मुड़ जाएंगे, बाएं हाथ पर मुड़ते ही कुछ दूरी पर आपको अपने बाएं हाथ की ओर एक आम का बगीचा दिखाई देगा, वहां से आप अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाएंगे, दाहिनी ओर मुड़ने पर आपको नवागांव मिलेगा, नवागांव से आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो आपको एक पगडंडी दिखेगी, जहां जो पगडंडी नदी की ओर जाती है। आपको इस तरफ नहीं जाना है, आप सीधा आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ने पर आप सीधा औराडांड पहुंच जाएंगे। गुलाब सिंह इस तरह से लटोरी गांव से औराडांड पहुंच गए। गुलाब सिंह लटोरी गांव से औराडांड गया और वहाँ से लौटा तो बाएं और दाएं का रास्ता गड़बड़ा गया। जाते समय जो स्थान बाएं हाथ पर था, आते समय वह स्थान दाएं हाथ पर हो गया, और जो स्थान दाएं हाथ पर थी वह स्थान बाएं हाथ पर हो गई, जो स्थान आगे की ओर था वही पीछे की ओर हो गया। लटोरी गांव से औराडांड जाते समय उसके दाएं और बाएं हाथ पर क्या क्या पड़ा, चलिए हम इसे एक तालिका के द्वारा समझते हैं। गुलाब सिंह के बाएं हाथ की ओर क्या पड़ा था? बड़गांव, फिर उसके बाद आम का बगीचा। अब उनके दाएं हाथ पर क्या क्या पड़ा था बच्चों? तो दाएं हाथ पर सबसे पहले आया पीपल का पेड़, फिर नया गांव और उसके बाद अंत में पगडंडी मिली। लेकिन जब औराडांड से वापस लटोरी लौट रहे थे तो दाएं हाथ और बाएं पर क्या क्या दिखा, चलिए इसे अब तालिका के द्वारा समझते हैं। बाएं हाथ पर पगडंडी हो गई, नया गांव हुआ और फिर पीपल का पेड़, और दाएं हाथ पर आम का बगीचा, फिर बड़गांव। बच्चों, आपके साथ भी ऐसा होता है ना, जब आप कहीं जाते हैं और वहाँ से वापस लौटते हैं, जाते समय जो चीज़ें बाएं हाथ पे थी वो लौटते समय दाएं हाथ पे हो जाती हैं,
और जो चीज़ें दाएं हाथ पर रहती हैं वही लौटते समय बाएं हाथ पर हो जाती है। ठीक उसी तरह गुलाब सिंह के साथ भी हुआ। जब वह लौट रहा था तो उसके बाएं हाथ पर नवा गांव और दाएं हाथ पर पड़गांव पड़ा। गुलाब सिंह ने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि गांवों की स्थिति को एक ही बात से बताया जा सके, ताकि जाते समय और लौटते समय गांव की स्थिति ना बदले। तो गुलाब सिंह ने देखा कि सूरज बड़गांव की तरफ से निकलता है और नवा गांव की तरफ से डूबता है। गुलाब सिंह ने इस तरह कहा, सूरज उगते समय बड़गांव और सूरज डूबते समय नया गांव। अब तो बात बन गई। गुलाब सिंह जब लुचकी घाट जा रहा था तब भी सूरज उगते समय बड़गांव था, सूरज डूबते समय नया गांव। जब वह लौट रहा था तब भी यही स्थिति थी। तो बच्चों, अब गुलाब सिंह ने जिस तरह से अपनी समस्या को सुलझाया उसी आधार पर हम दिशाओं को तय करते हैं। आप अपनी शाला के जिस ओर सूरज उगता है उस तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए। अब आपके आगे पीछे दाएं और बाएं चार ओर दिशाएं तय हो जाएंगी। जिधर सूरज उगता है उसको हम पूर्व दिशा कहते हैं, और तुम्हारे ठीक पीछे की ओर यानी जिधर सूरज डूबता है उसे हम पश्चिम दिशा कहते हैं। अब तुम्हारे ठीक बाएं हाथ की ओर उत्तर दिशा और दाएं हाथ की ओर दक्षिण दिशा होगी। तो बच्चों, लगी ना रोचक जानकारी? चलिए अब देखते हैं हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा। पहला, सूरज पूर्व दिशा से निकलता है। दिशाएं चार होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तीसरा, दिशाओं का निर्धारण सूरज को देखकर किया जाता है। चलिए बच्चों, अब हम कुछ अभ्यास कार्य करें। तो अभ्यास कार्य का हमारा पहला प्रश्न है, गुलाब सिंह किस गांव का रहने वाला था? तो हमारा उत्तर है, गुलाब सिंह लटोरी गांव का रहने वाला था। हमारा दूसरा प्रश्न है बच्चों, गुलाब सिंह को शादी में कहाँ पहुँचना था? तो हमारा उत्तर है, गुलाब सिंह को शादी में अवरा डांड पहुँचना था। हमारा तीसरा प्रश्न है बच्चों, लुचकी घाट जाते समय बाएं हाथ की ओर कौन सा गांव पड़ा था? लुचकी घाट जाते समय बाएं हाथ की ओर बड़गांव पड़ा था। चलिए बच्चों, अब अपनी अपनी कॉपियाँ निकाल लीजिए, मैं गृह कार्य दे रही हूँ, आप उसे नोट करेंगे। आपका पहला प्रश्न है, आपके घर से स्कूल तक पहुँचने के लिए एक नक्शा बनाइए। आपका दूसरा प्रश्न है, आप अपने घर से शाला तक जाते समय आपके बाएं हाथ व दाएं हाथ में क्या क्या पड़ा से तालिका बनाकर लिखिए। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में।